नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग उपस्थित हैं इनकम टैक्स के एक खास वीडियो को लेकर के, जिसका नाम है धारा 80TTB की। इसमें कौन सी बातें कही गई हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। और इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यह बहुत ही छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और समझें। धारा 80TTB की कटौती बैंक व डाकघरों में की गई जमाओं पर ब्याज, यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिसेस के संबंध में है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, और कौन कौन सी बातें हैं इस कटौती में उसको हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। ए, कटौती के लिए पात्र करदाता। इसमें केवल कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक, यानी जो सेक्शन 80TTB है इसके लिए केवल और केवल वरिष्ठ नागरिक ही पात्र करदाता यानी एलिजिबल टैक्स पेयर्स हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन 80TTA पढ़ा था, तो उसके नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 80TTA में सभी लोग इंक्लूड हैं लेकिन वरिष्ठ नागरिक इंक्लूड नहीं है। तो वहाँ पर सेक्शन 80TTA में जिन लोगों को इंक्लूड किया गया है उनके अलावा जो भी एक्सक्लूड पर्सन है, यानी जो भी सीनियर सिटीजन है, उसको यहाँ पर सेक्शन 80TTB में इंक्लूड कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। बी, कटौती की शर्तें। खाता किसी बैंक, बैंक का व्यवसाय करने वाली कोई सहकारी समिति या डाकघर में खोला जाना चाहिए। यहाँ पर सारे के सारे प्रोविजन लगभग सेक्शन 80TTA की तरह लग रहे हैं कि खाता किसी बैंक या फिर बैंक का व्यवसाय करने वाली किसी सहकारी समिति या डाकघर में खोला जाना चाहिए। सी, कटौती की मात्रा। वरिष्ठ नागरिक को ब्याज बचत खातों या अस्थायी जमाओं या अन्य जमाओं पर प्राप्त हो सकती है। इन सभी जमाओं पर ब्याज की वास्तविक रकमों का योग या 50,000 दोनों में से जो कम हो उसकी कटौती प्रदान की जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो उसको यहाँ पर विशेष लाभ ये है कि यदि उसने फिक्स डिपॉजिट में कोई पैसा जमा किया हुआ है, सेविंग खाते में ही, या फिर अन्य कोई जमा किया हुआ है, तो उसको यहाँ पर कटौती का लाभ मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी जितनी भी जमा यानी डिपॉजिट्स हैं किसी भी वरिष्ठ नागरिक के, वे और 50,000 दोनों में से जो कम हो उतने का यहाँ पर कटौती यानी डिडक्शन मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी सेक्शन 80TTB की कटौती दी जाएगी तो वह वरिष्ठ नागरिक को ही दी जाएगी, और यहाँ पर जो भी डिपॉजिट किए जाते हैं वरिष्ठ नागरिक के द्वारा वे सारे के सारे डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं, और उसके साथ साथ जो भी बचत खाते हैं उसके पैसे जो ब्याज के रूप में मिलते हैं वो इंक्लूड होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इनकम टैक्स में अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को हमें जरूर भेजें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।